हाय, कैसे हैं आप सब? केवल सोना खाना घूमना ही चल रहा है कि कुछ और भी चलना चाहिए? मैं तो जबरदस्ती चलवाऊंगा, इसलिए मैं रोज रोज एक नया 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 डोज लेकर के, कभी बूस्टर डोज तो कभी एक छोटा डोज लेकर के मैं आ रहा हूँ। एक और डोज अभी मैं लेकर के आया हूँ, इस डोज को देखिए और समझिए। स्पेशली ये भी 9th क्लास के लिए ही है, लेकिन किसी क्लास के भी बच्चे इसे समझ सकते हैं। कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी ये जरूरी होता है। इस टॉपिक में मैं आपको ये बताने जा रहा हूँ कि हाउ टू रिप्रेजेंट रूट अंडर 4.5 और नंबर लाइन ज्योमेट्रिकली। रूट अंडर 4.5 मतलब डेसिमल में कोई नंबर, रियल नंबर डेसिमल में दिया गया है, हम उसे स्क्वायर रूट में दिया गया है, तो हम उसको ज्योमेट्रिकली कैसे प्रेजेंट करेंगे नंबर लाइन पे, उसको मैं आपको दिखा रहा हूँ। तो इसमें आप इसके में जाएंगे, आपके कंस्ट्रक्शन में इसके कंस्ट्रक्शन में जाएंगे, तो सबसे पहले आपको क्या करना है, एक नंबर लाइन ड्रॉ करना है। एक नंबर लाइन ड्रॉ कर लिए, थोड़ा और मैं नीचे इसको ड्रॉ करता हूँ ताकि आपको स्पेस ऊपर मिले। एक नंबर लाइन ड्रॉ कर लिए, इस नंबर लाइन पे आपको एक स्टार्टिंग पॉइंट होगा, पॉइंट इनिशियल पॉइंट होगा, तो इस पॉइंट को आप जीरो दे सकते हैं और नाम इसका ए रख सकते हैं, ये जीरो है। उसके बाद हम क्या करेंगे, जैसे 1 2 3 तो होता ही है, हम 4.5 यूनिट का एक पॉइंट बी ले लेंगे। 4.5 यूनिट, 4.5 यूनिट का मतलब हो गया कि 4.5 सेंटीमीटर भी हो सकता है, 4.5 इंच भी हो सकता है, आप अपनी सुविधा के अनुसार 4.5 यूनिट का ले लेंगे। और एक यूनिट और आगे बढ़ा लेंगे, बी से एक यूनिट और ले लीजिए, सी ले लीजिए। मतलब पहला काम कि आपको एक लाइन सेगमेंट लाइन ड्रॉ कर लेना है, आप मतलब एक रे कह लीजिए या लाइन कह लीजिए, उसमें एक पॉइंट जो इनिशियल पॉइंट होगा या स्टार्टिंग पॉइंट होगा उस पर एक नंबर जीरो डाल दीजिए, क्योंकि इनिशियल पॉइंट है, और एक लेटर भी डाल दीजिए ए, जिससे पता चले ए से बी। ए से जो खींचेंगे लंबाई इसकी 4.5, चूँकि यहाँ रूट अंडर 4.5 को डिपिक्ट करना है, दिखाना है, तो 4.5 यूनिट का ले लेंगे। यूनिट का मतलब मैंने कहा कि सेंटीमीटर या इंच कुछ भी हो सकता है, आप अपनी सुविधा के अनुसार, पेज की चौड़ाई के हिसाब से, आप अपने कंपास को ध्यान में रखते हुए 4.5 सेंटीमीटर का ही ले लेंगे। उसके बाद एक यूनिट और आगे बढ़ाएंगे इसको, मतलब बी से एक यूनिट और आगे आप इसको बढ़ा लेंगे। बढ़ाने के बाद आप क्या करेंगे कि इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर खींचेंगे। किसका किसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर? ये एसी का, ए से सी तक का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। कैसे खींचते हैं इसको, मैं अपनी उंगलियों से बता रहा हूँ आपको, आप खुद कर सकते हैं। आधा से अधिक मतलब ए से सी जो डिस्टेंस है, ये 4.5 है, 1 है तो 5.5 हो गया। आधा से अधिक मतलब आप 3 से थोड़ा ज़्यादा लेकर के ऊपर काटिए फिर नीचे काटिए। उसी तरह यहाँ से भी ऊपर काटिए और नीचे काटिए। जब काटेंगे तो और इसको मिलाएंगे तो एक परपेंडिकुलर बाइसेक्टर लाइन आप ड्रॉ कर रहे हैं। एसी का आप परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ कर दी। अब परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ किए, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर का मतलब होता है लंब समद्विभाजक, मतलब एक ऐसी लाइन जो परपेंडिकुलर हो और उसको दो भाग में बांटे। अब इसको मिड पॉइंट मतलब सेंटर लेकर के एक सेमी सर्कल आपको ड्रॉ करना होगा, जो ए को कवर करते हुए और सी को कवर करे, बस ऐसे ऐसे करेंगे, जो कि सी को कवर कर रहा है, ए को कवर किया यहाँ, ए को कवर किया और सी को यहाँ कवर करा, एक सेमी सर्कल तैयार होंगे। अब सेमी सर्कल जब तैयार हुआ तो बी पर आप 90 डिग्री का एंगल बनाते हुए एक लाइन ड्रॉ, लाइन सेगमेंट ड्रॉ करेंगे। 90 डिग्री का एंगल बनाते हुए आप चांद का भी सहायता ले सकते हैं, प्रोट्रैक्टर, यू कैन टेक द हेल्प ऑफ दैट, या आप अपने कंपास से बनाना चाहते हैं तो उसे भी बना सकते हैं। सबसे अच्छा होता है कि आप प्रोट्रैक्टर की सहायता से प्रोट्रैक्टर इस पर लगाएं और 90 डिग्री का आप एक वो खींच दे, परपेंडिकुलर खींच दिए। जब ये परपेंडिकुलर खींचेंगे तो ये 90 डिग्री का ऐसे हो जाएगा। अब क्या करेंगे, अपने कंपास के एक नोक को यहाँ डालेंगे और डाल करके ऐसे घुमा देंगे। ये जहाँ इस लाइन को काटेगा, मतलब इस एसी को जहाँ काटेगा, वहीं पॉइंट जो होगा रूट अंडर 4.5 हो जाएगा। मतलब डिस्टेंस बिटवीन बी टू, अगर मान लीजिए ये डी हो गया तो बी डी इज इक्वल टू रूट अंडर 4.5 हो गया, बी डी इज इक्वल टू 4.5 हो गया। इस तरह से अगर 4.5 है तो 4.5, 4.55 है तो 4.55, इसको लेकर के आप कर सकते हैं। मतलब डेसिमल में कोई भी नंबर स्क्वायर रूट में दिया गया हो और उसको आपको नंबर लाइन पे ज्योमेट्रिकली
रिप्रेजेंट करना हो तो इस तरह से आप आसानी से कर सकते हैं। किसी भी तरह की कोई कन्फ्यूजन होती है तो स्टेप वाइज आप वीडियो को पॉज कर करके देखेंगे, निश्चित रूप से समझ में आएगा। फिर एक बार मैं कंक्लूड करता हूँ, इसको प्रूव भी किया जा सकता है। अगर आपको प्रूव करने की आवश्यकता होगी तो आप मुझे बोलेंगे, मैं इसको प्रूव कर दूंगा। अभी फिलहाल मैं आपको ये बताया हूँ, आप एक दो क्वेश्चन प्रैक्टिस करके देखेंगे, आपके बुक में भी दिया हुआ। सबसे पहले क्या करेंगे, जितना दिया हुआ होता है स्क्वायर रूट में रूट अंडर 4.5 या रूट अंडर 7.5, जितना दिया उतना बड़ा एक लाइन सेगमेंट खींचेंगे, उसको एक यूनिट और एक्सटेंड करेंगे, और एक यूनिट एक्सटेंड करने के बाद उसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर मतलब एसी का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर खींचेंगे। जहां बाइसेक्शन हुआ उसको सेंटर लेकर के एक सेमी सर्कल ड्रॉ किए। अब जो पॉइंट बी था, जहां ए बी था 4.5 यूनिट, उस बी पर 90 डिग्री का एंगल बनाते हुए हम एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे। इस परपेंडिकुलर को हम अब कंपास लेकर के घुमाएंगे, जहां एक्सटेंडेड लाइन को काटेगा वही पॉइंट जो होगा उस पॉइंट से बी से मतलब पॉइंट बी से हम बढ़ा रहे हैं तो बी से वो डी मतलब बी डी रूट अंडर 4.5 होगा। इस तरह से ज्योमेट्रिकली वी कैन एक्सप्रेस और रिप्रेजेंट एनी स्क्वायर रूट ऑफ एनी नंबर विच इज इन डेसिमल फॉर्म ऑन द नंबर लाइन। और डेसिमल फॉर्म हो या ना हो उसे कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई किसी भी नंबर को आप कर सकते हैं।